रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर राजधानी रायपुर के चौक चौराहों पर बाबा साहब को याद किया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों और शोषित वर्गों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा दलित और शोषित वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका योगदान काफी सराहनीय है। बाबा साहब बोलते थे कि हमारी जो जनसंख्या है, अगर अनुसूचित जाति की 15% है, अनुसूचित जनजाति की 7.5% है, 22.5% जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या के अनुपात में हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अगर हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा तब तो हमारा समाज विकास कर पाएगा। आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण के द्वारा हमारे लोगों को एक मौका दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपना प्रतिनिधित्व जो है उसको पूरा कर सके।